So, hello everyone, how are you all guys? Are we live over here? जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं. यस बच्चा पार्टी, जस्ट टेल लेट मी नो वेदर वी आर लाइव और नॉट. ओके. यस हम लोग लाइव आ चुके हैं एंड दैट्स अमेजिंग. सो एवरीवन ओवर हियर, वी आर लाइव राइट हियर राइट नाउ. तो जल्दी से फटाफट से शुरुआत करने वाले हैं आज हम लोग इस सुपर डुपर अमेजिंग सेशन के साथ, जहां पर मैं आपको कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज फटाफट सुपर फास्ट तरीके से करवाने की कोशिश करने वाला हूं. ठीक है, आज अलग लग रहे हो? हाँ बेटा अलग लग रहा हूँ. मुझे लगा ही था आप लोग ये सारी चीजें पूछोगे आज, ये कौन है, क्या है, कैसे है ना. यस बट उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ओके सो आई नो आई एम लुकिंग क्वाइट डिफरेंट, आई एम लुकिंग क्वाइट डिफरेंट एंड बट जो भी है जैसे भी है ठीक है. ठीक है, बदलाव चेंज इज अ फेज ऑफ लाइफ राइट. सर के भाई आए हैं क्या? सर के भाई आए हैं क्या? यस ओके, कोई बात नहीं. लेकिन यार चेंज है ना, चेंज इज द फेज ऑफ लाइफ. सो बस बेटा बस ऐसे मन किया तो चेंज कर लिया. लोग अलग लग रहे हैं सर. जी हाँ बेटा अलग लग रहा हूँ, बहुत अलग लग रहा हूँ है ना. यस बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलिए शुरू करें. एवरीवन एवरीवन, यस बीकॉम के स्टूडेंट लग रहे हो. ओके चलिए, ये स्टेप क्यों लिया सर आपने? ये स्टेप क्यों लिया आपने? ऐसे ले लिया बेटा, ऐसे ले लिया. कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. 16 साल के लग रहे हो, 16 इयर्स के. अरे भाई अरे भाई, चलो चलो चलो. सो लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो है चैप्टर, बहुत सारे बच्चे इसको ना ऑप्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ऑप्शन में छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत ही आसान है ये. और जिन भी बच्चों ने इसको ऑप्शन में छोड़ा है उनको ये एक लेक्चर देखने बोल देना, जहां पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आपको करवा दूंगा. ठीक है. सो यहाँ पर इस चैप्टर में चार टुकड़े किए गए हैं. एक फाइनेंस का टुकड़ा है, एक बैंकिंग का है, एक मार्केटिंग का है और एक अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी का टुकड़ा है. ठीक है. यस तो बच्चा पार्टी फटाफट से शुरुआत करते हैं. ये जो चार टुकड़े हैं इसको करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले फाइनेंस करेंगे, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद बैंकिंग करेंगे और उसके बाद अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज करने वाले हैं. ठीक है. तो तैयार है सारे बच्चे? एवरीवन ओवर हियर, आर यू रेडी? तो मैं जो भी करवाऊंगा, आप उतना भी कर कर जाते हो तो भी आपका यहां पर हो जाएगा. ठीक है. कोई बात नहीं बेटा, पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था, अभी ज्यादा अच्छा लग रहा हूं, कोई बात नहीं यार. ठीक है, एक हफ्ते की बात है. ठीक है, 1 वीक. सो बस कुछ बदलाव है, कुछ बदलाव कर दिया है बेटा हमने, हमारे एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट. ठीक है. चलो अभी मस्ती बहुत हो गई, अभी मेरे को लगा ही था आज ऐसे होने वाला है. 5 मिनट मेरे मेरे इस बर्ताव के बारे में आप लोग चर्चा करने वाले थे, 5 मिनट मेरे को लगा ही था. ठीक है, अभी चर्चा हो चुकी है. एंड जैसे भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, खराब लग रहा हो, वॉट एवर इट इज, दैट्स फाइन. इट इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट है ना. तो मेरे को ये पता था कि ये होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है. आज बहुत खिंचाई होने वाली है ना. बट कोई बात नहीं, अभी शुरुआत करते हैं. अभी एकदम अच्छे से ध्यान दो, पेन पेंसिल हाइलाइटर जो भी लेना है वो लेकर बैठो. इंपॉर्टेंट सारी चीज मार्क करवा देंगे एंड फटाफट से इसको खत्म कर देंगे. ठीक है. यस हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 बेटा. उमेश हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक है चलिए. हाँ सो अभी ध्यान देना, फाइनेंस के डेफिनेशंस को पढ़ते हैं. एजेंट मतलब कौन? एजेंट मतलब कौन जो अपने एक्ट पे क्या करता है, अपने आप एक्ट पे मतलब अपने बिहाफ पे एक्ट करता है,
क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट करता है उसको एजेंट कहते हैं, और एजेंट ब्रोकरेज भी चार्ज करता है। जी हाँ, एजेंट ब्रोकरेज भी चार्ज करता है आप लोगों को, ठीक है। यस, तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर अमोर्टाइजेशन मतलब क्या। अमोर्टाइजेशन अब ये इंटेंजिबल के केस में होता है अमोर्टाइजेशन, जहां पर जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे अमोर्टाइजेशन होता है। तो इंटेंजिबल को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे कि यहां पर 1 लाख रुपए था, 10 साल तक ये सपोज चलेगा कोई भी असेट, तो आप लोग उसको 10-10 हजार से अमोर्टाइज करोगे। जी हाँ, 10-10 हजार से आप उसे अमोर्टाइज करने वाले हो, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर बाद में देखिए बेटा, यहाँ पर एनिटी ड्यू एंड एन्यूटी। एनिटी ड्यू मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड में पेमेंट्स हो रहे हैं, और यहाँ पर इक्वल अमाउंट एट द एंड होते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स में। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये एन्यूटी एंड एन्यूटी ड्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्राज? आर्बिट्राज का मतलब होता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड साइमल्टेनियस सेलिंग इन द टू डिफरेंट मार्केट, इट इज नोन एज आर्बिट्राज। सो आर्बिट्राज क्या होता है, जैसे कि मैंने धारावी में परचेस किया, साउथ बॉम्बे में जाकर बेच दिया। धारावी में सस्ते में परचेस किया, साउथ बॉम्बे में जाकर मैंने बहुत ही महंगे में बेच दिया। तो क्या है, साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल इन द टू डिफरेंट मार्केट, इट इज नोन एज आर्बिट्राज। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस। अब देखिए एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू इंक्रीज होता है कोई भी एसेट का, उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। असेट में आपको नहीं समझाने वाला, करंट असेट भी नहीं समझाने वाला, फिक्स्ड असेट नहीं समझाने वाला, इनटेंजिबल असेट नहीं समझाने वाला। आस्क एंड ऑफर पर सवाल आ सकता है। आस्क एंड ऑफर मतलब सेल, आस्क एंड ऑफर मतलब सेल। ऑडिट मतलब केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ऑडिट कहेंगे। बैड डेट्स मतलब बेटा मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ, बैलेंस शीट में आपको नहीं समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है अभी तक, तो बेटा आप लोगों ने आपको पता है क्या करना चाहिए, सीए छोड़ देना चाहिए अगर आपको बैड डेट्स और बैलेंस शीट नहीं पता है तो। बॉन्ड्स मतलब क्या बेटा, बॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट होता है जो जनरली कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, लार्ज कंपनीज इशू करती है। तो उसको वो क्या करती है, अपने को स्पेसिफिक अमाउंट देने वाली, स्पेसिफिक इंटरेस्ट देने वाली, स्पेसिफिक टर्म तक, है ना। तो लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट होती है जो कि कंपनीज और गवर्नमेंट इशू करती है। प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय द कंपनीज और द गवर्नमेंट, कंपनीज और द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने सपोज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया, गवर्नमेंट इशू करती है उसको, 8 साल तक वो लॉक इन पीरियड होता है, और गवर्नमेंट उस पर हर साल 2% देती है। कितना, 2%, ठीक है। यस बेटा, फटाफट से एकदम फटफट फटफट करने का है, फटफट फटफट, ठीक है। यस, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन? ब्रेक इवन मतलब बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस, व्हेन द रेवेन्यू इज एब्सोल्युटली इक्वल टू द एक्सपेंसेस दैट यू आर मेकिंग, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन। बुक वैल्यू मतलब टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। बजट मतलब ये डिटेल प्लान होता है एक्सपेंसेस का, फ्यूचर एक्सपेंसेस का डिटेल प्लान, उसको बजट कहते हैं। बियर मतलब कंटिन्यूअसली नीचे 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 जाने वाला है, पेसिमिस्टिक है हम लोग। बेस प्राइस मतलब जब दिन शुरू होता है और तब जब तुम्हारे 9:15 बजे जब मार्केट शुरू होगा, तब कोई पर्टिकुलर शेयर की जो भी भाव रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस प्राइस कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस प्राइस कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केट ट्रेडिंग मतलब क्या, बास्केट ट्रेडिंग साइमल्टेनियस परचेस मतलब एक साथ तुम बहुत सारे शेयर्स को परचेस करते हो या फिर बहुत सारे शेयर्स को बेचते हो, उसको बास्केट ट्रेडिंग कहते हैं। बास्केट ट्रेडिंग, बास्केट ट्रेडिंग, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, बियर मार्केट मतलब क्या है, बियर मार्केट, बियर मार्केट का मतलब होता है बेटा जहां पर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉलो होती है, उसको हम लोग बियर मार्केट कहते हैं। बदला ट्रांजैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर देना। बदला ट्रांजैक्शन मतलब कैरी फॉरवर्ड फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर सेटलमेंट पीरियड, इट इज नोन एज बदला ट्रांजैक्शन, ठीक है। इट इज नोन एज बदला ट्रांजैक्शन, कैरी फॉरवर्ड फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर सेटलमेंट पीरियड, इट इज नोन एज बदला ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप? ब्लू चिप का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लू चिप का मतलब होता है फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, जिसका अर्निंग्स और जिसके डिविडेंड्स काफी डिसेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू चिप, ब्लू चिप, ठीक है। यस, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। यस, फिर क्या बोलते हैं बीटा, बीटा बीटा बीटा, बीटा मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस
ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, बीटा। ठीक है, यस। व्हाट डू यू मीन बाय बिड? बिड मतलब बाय, बिड मतलब बाय बाय बाय। ठीक है, यस। ब्रोकर एंड ब्रोकरेज फर्म क्या करती है, ये चार्ज करती है कमीशन फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो ये क्या करती है, कमीशन चार्ज करती है, कमीशन चार्ज करती है। ठीक है, यस। व्हाट डू यू मीन बाय बुल मार्केट? बुल मार्केट मतलब जहां पर प्राइजेस कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती है उसको हम लोग बुल मार्केट कहते हैं। जी हाँ, उसको पर बुल मार्केट कहते हैं। बिजनेस डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे बिजनेस, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चालू रहता है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, और पब्लिक हॉलीडेज को भी बंद रहता है। ठीक है, राइट राइट। व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? बोनस मतलब बोनस एक धोखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। यहां पर क्या हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी? नो, देर इज नो, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एडिशनल वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स। इट इज जस्ट द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इट इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? गाइस, मैं आपको बहुत ही फास्ट फास्ट यहाँ पर सारी चीजें करवाने वाला हूँ। जितना मैं यहाँ पर आपको करूंगा उतना ही आपको करना होगा, कोई भी जरूरत नहीं होगी इसको छोड़ने की। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो तो भी आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो और इसको मार्क करोगे तो भी आपको याद रहेगा। पता नहीं इसमें से शायद कुछ ना कुछ आ जाए एग्जाम में जो हमने मार्क किया है, राइट? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक क्लोजर मतलब क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी पर्टिकुलर डे पर हम लोग क्या करते हैं, बुक को बंद कर देते हैं, और वहां पर जिस दिन पर हम लोग बुक बंद करते हैं उसमें जिसके भी नाम देंगे उनको डिविडेंड एलिजिबल होता है, बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ब्रोकरेज, अगेन ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर, ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर। ठीक है, बुल मतलब ऊपर 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 स्टॉक प्राइसेस जाने वाली है। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग मतलब प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट्स और उसके कैश फ्लोज, कितने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं और उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ठीक है, यस। कैपिटल गेन यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड मतलब क्या है, कैपिटल गेन यील्ड ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस, डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस। मतलब सपोज मैंने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 1,000 रुपए का शेयर लिया था, उसकी प्राइस आज सपोज 1,500 हो गई, तो 500 रुपए का गेन हुआ। सो 500 डिवाइडेड बाय 1,000, इट इज 50%। सो वो क्या होगा, कैपिटल गेन यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आ रहा है बच्चा पारी? यस। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है, जी हाँ कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट, 1 लाख और उसके डिनोमिनेशंस में इशू किया जाता है बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज फर्म्स। ठीक है, यस यस। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी मतलब जो भी बॉन्ड, जो भी डिबेंचर, जो भी प्रेफर्ड स्टॉक, दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सिक्योरिटी, इन टू द इक्विटी शेयर, इन टू द डिफरेंट सिक्योरिटीज, उसको हम लोग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कहेंगे। जी हाँ, उसको अपन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कहेंगे। कंसोलिडेशन स्टार मार्क कर दो, कमर्शियल पेपर स्टार मार्क कर दो। कंसोलिडेशन मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर्स व्हेन द एंटिटी ट्रांसफर ऑल देयर नेट असेट्स टू द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी फॉर दैट पर्पस, न्यूली क्रिएटेड एंटिटी फॉर दैट पर्पस। यस, क्रेडिटर्स की जरूरत नहीं है बेटा, डेटर्स की जरूरत नहीं है। डिबेंचर्स मतलब क्या है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय द फिजिकल असेट ऑफ कोलैटरल, एंड डिबेंचर्स आर बैक्ड बाय द जनरल क्रेडिट वर्दीनेस और रेपुटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हरस मित्तल को सपोज यहां पर क्या चाहिए, लोन चाहिए है, तो हरस मित्तल डिबेंचर्स इशू करेगा, और हरस मित्तल के जो भी दोस्त हैं, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, अगर वो इसके डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी रेपुटेशन, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर ये क्या करेंगे, उसके डिबेंचर्स खरीदेंगे, और उसके बदले में हर्ष उनको इंटरेस्ट देगा, 10% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स। तो क्या इंटरेस्ट देने वाला है ये उनको, राइट?
सो ये क्या है, उसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा किसको? नो, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड। ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक मतलब क्या? जो कांस्टेंट डिविडेंड देते हैं इन केस ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न, कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग्स, कांस्टेंट डिविडेंड स्टेबल अर्निंग्स इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता नहीं है तो डेफिनेटली यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। इफ यू डोंट नो अबाउट डेप्रिसिएशन यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम बेटा। डेरिवेटिव्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अ प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विच इज डिराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग असेट, वन और मोर अंडरलाइंग असेट, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। सो सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग असेट, वन और मोर अंडरलाइंग असेट मतलब उसकी प्राइस किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसकी प्राइस किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको अपन डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या है? अर्निंग्स, कंपनीज अर्निंग डिसाइडेड टू पे शेयर होल्डर्स इन रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी अपने प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को जो पे करती है उसको अपन डिविडेंड कहते हैं। जी हाँ, व्हाट इज एक्सचेंज वैल्यू? द नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर अनदर यूनिट्स ऑफ द अनदर करेंसी। ठीक है, फिर आपको हेज इंपॉर्टेंट है। हेज, हेज क्या है बेटा? हेज क्या है? टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इट इज नोन एज हेज, इट इज नोन एज हेज। इनकम स्टॉक इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इनकम स्टॉक क्या बोलता है? जो कंपनी का सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड पे करने का, सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड ऑफर डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक इट इज नोन एज इनकम स्टॉक्स। इनकम स्टॉक्स मतलब सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गिविंग द डिविडेंड्स, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गिविंग द डिविडेंड दे आर नोन एज इनकम स्टॉक्स। ठीक है, गॉट इट? इंडेक्स मतलब क्या? स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द इकोनॉमी और द सिक्योरिटी मार्केट। सेम टू सेम लाइन आएगी, जो पहली लाइन है सेम टू सेम। आईपीओ मतलब क्या? जो भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट करने वाली है उसको अपन आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, आई होप दैट आप लोग अंडरलाइन कुछ तो कर रहे हो, क्योंकि इसमें बेटा ऐसा कुछ है नहीं, ये डेफिनेशन से। आई नो ये काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं, लेकिन ये जितने बोरिंग है अकेले पढ़ने में, उससे तो बेटर है कि हम लोग क्लास में कर ले। अकेले पढ़ाई करने बैठोगे इस डेफिनेशन को तो मे बी तुम सो भी जाओगे, सो भी जाओगे, नींद आएगी, है ना? एटलीस्ट फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में इसको एक बार का खत्म कर देते हैं, राइट? चलिए, लिस्टेड स्टॉक्स मतलब द शेयर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडेशन मतलब असेट्स आर सोल्ड पीसमेल, असेट ऑफ द डिविजन आर सोल्ड पीसमेल रादर देन द ऑपरेटिंग एंटिटी, राइट? ब्लू चिप स्टॉक्स एंड इनकम स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स बेटा बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देते, वो स्टेबल अर्निंग्स एंड डिविडेंड देते हैं। इनकम स्टॉक्स मतलब जो कि बहुत सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ गिविंग द डिविडेंड, उसको इनकम स्टॉक्स कहते हैं, उसको इनकम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए, देन मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जहां पर होती है वहां पर हम लोग उसको कहते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट। म्यूचुअल फंड, सही है,
So the money, the pull of the money, which is managed by the expert in investing in stocks and bonds and other securities, it is known as mutual funds. It is known as mutual funds. What do you mean by OTM, out of the money? अगर तुम्हारा कॉल ऑप्शन है और अगर वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाता है तो वो क्या है? आउट ऑफ द मनी। अगर तुम्हारा पुट ऑप्शन है और अगर वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाता है तो वो है आउट ऑफ द मनी। ठीक है? कैसे? तो भाई और बहनों, सो म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से 9:15 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन होता है। जी हाँ, पोर्टफोलियो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को आप लोग क्या रखते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, राइट? यस, ओके। यस, चलिए ओके। तो देखो यार, सपोज तुम्हारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो तुम 10 लाख के पोर्टफोलियो में सारा के सारा क्या एक ही स्टॉक खरीदोगे? क्या नहीं, डिफरेंट डिफरेंट खरीदोगे। हाँ, तो क्या है? पोर्टफोलियो है। ठीक है, प्री ओपनिंग सेशन। यस, पीई रेशियो मतलब क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, दैट इज MPS अपॉन EPS, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीई रेशियो कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? पीई रेशियो कहते हैं, राइट? यस, पुट ऑप्शन मतलब जहां पर हमें लगता है कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल, द स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन। आरओआई तुम पढ़ लेना, रिस्क भी तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस, ये सिक्योरिटीज होते हैं। सिक्योरिटीज मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टॉक ही होना चाहिए, वो बॉन्ड्स भी हो सकता है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी रह सकते हैं, वो पुट ऑप्शंस भी रह सकते हैं, कॉल ऑप्शंस भी रह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है, उसको अपन सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है? द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन विल आइदर बाय और आइदर सेल द सिक्योरिटी, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसको अपन कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। यस, ओके। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस तब हम लोग करेंगे स्टॉक स्प्लिट। द अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर, नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर को इंक्रीज करना है तो हम लोग स्प्लिट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। थिन मार्केट, वेरी लो नंबर ऑफ बिड्स एंड वेरी लो नंबर ऑफ सेल्स, बहुत ही लो नंबर ऑफ बिड्स हो रही है। ठीक है, वेरी लेस, उसको अपन क्या कहते हैं? थिन मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिन मार्केट। 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग सेशन होता है, 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग सेशन होता है। ठीक है, स्टॉक मतलब कुछ नहीं भाई, स्टॉक मतलब एक सर्टिफिकेट है दैट इंडिकेट्स द ओनरशिप। ठीक है, दैट इंडिकेट्स द ओनरशिप। वेंचर कैपिटल मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं दूसरी कंपनीज में, जो लोग पैसा लगाते हैं दूसरी कंपनीज में, जैसे शार्क टैंक इंडिया में ये कौन थे? कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? सो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ द प्राइवेट इक्विटी एंड द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट द इन्वेस्टर प्रोवाइड टू द स्टार्टअप कंपनीज। यील्ड मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। रिटर्न यील्ड टू कॉल एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। यील्ड टू कॉल मतलब क्या होता है? हमने मैच्योरिटी से पहले ही क्या कर दिया, हमने क्या मैच्योरिटी से पहले ही उसको कॉल कर दिया। सपोज 3 साल का मुझे लॉक इन पीरियड था, 3 साल का लॉक इन पीरियड था, और 3 साल के पहले ही मैंने 1.5 साल के बाद ही बोल दिया, 2 साल के बाद ही बोल दिया कि मेरे को अभी पैसा चाहिए है, तो मैच्योरिटी हुई थी क्या? नहीं। लेकिन फिर भी मैंने क्या कर लिया, मैंने उसको कॉल कर लिया, उस बॉन्ड को या भी उस सिक्योरिटी को, उसको अपन क्या कहते हैं? यील्ड टू कॉल। सो हम लोगों ने
रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन द बॉन्ड बिफोर, इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट, इफ इट इज कॉल्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट। एंड जीरो कूपन बॉन्ड मतलब इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट, इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, एंड इट इज रिडीम्ड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, उसको अपन क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो भाई और बहनों, यहां पर हम लोगों ने फाइनेंस के डेफिनेशंस को खत्म कर दिया है और यहां पर मार्किंग भी करवा दी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है? यस एवरीवन, यस। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग के डेफिनेशंस की तरफ। प्लीज एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चा फाटी, मार्केटिंग के डेफिनेशंस की तरफ ध्यान देने वाले हैं हम लोग, प्लीज पे अटेंशन। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सो यहां पर हम लोग स्पेसिफिक पीरियड तक एडवर्टाइजिंग करते हैं, 2 महीने तक, 3 महीने तक, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं, कैंपेन कहते हैं। कैंपेन तो नहीं कि अवेयरनेस कैंपेन चलती है 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, तो क्या है, इलेक्शंस की कैंपेन चलती है, तो दो तीन तीन चार चार पांच 5 महीने, पर्टिकुलर पीरियड फॉर द स्पेसिफिक एम, विद द स्पेसिफिक एम, उसको अपन कैंपेन कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मतलब ये क्या होता है, एक पेड फॉर्म होता है, पेड फॉर्म, ठीक है, जहां पर हम लोग मास मीडिया में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविजन्स में, रेडियो पर अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, बट इट इज अ पेड फॉर्म, उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जी हाँ, उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आफ्टर सेल सर्विस मतलब बेचने के बाद कोई वारंटी गारंटी होती है ना, उसको आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, आफ्टर सेल सर्विस। एजेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो तुम्हारे बिहाफ पर बेचता है। बैरियर टू ट्रेड मतलब क्या होता है, दो कंट्री के बीच में अगर कोई क्या है, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज और डिफिकल्ट टू मेक अ सेल और मेक अ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, इट इज नोन एज बैरियर टू ट्रेड, इट इज नोन एज बैरियर टू ट्रेड। एंट्री बैरियर मतलब डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग एक नए इंडस्ट्री में कदम रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, नई कंपनीज लेकर आना काफी डिफिकल्ट होता है, उसको अपन बैरियर टू एंट्री एंड बैरियर टू एग्जिट कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस है, बेंचमार्किंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोग एक मार्केट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो द बेस्ट इन द मार्केट जो भी रहेगा उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। कंपेयरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस अगेंस्ट दोज कॉम्पिटिटर दैट आर लीडिंग लीडिंग द बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड, ब्रांड कैन बी लोगो, ब्रांड कैन बी डिजाइन, ब्रांड कैन बी नेम, ब्रांड कैन बी सिंबल, ब्रांड कैन बी पैकेजिंग, एनीथिंग एनीथिंग, उसको आप लोग क्या कहेंगे, ब्रांड कहेंगे, ब्रांड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, वैल्यू ऑफ द ब्रांड, ठीक है, यस, वैल्यू ऑफ द ब्रांड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी का मतलब होता है जो कस्टमर्स तुमसे, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विस, सो लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांड लॉयल्टी कहेंगे, ठीक है। अरे यार मतलब वो बार 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 उसी से वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसी ब्रांड का खरीदेगा, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन, राइट? तो बेटा इंडिया में तो ब्रांड लॉयल्टी काफी कम होती है, एप्पल वाले लोगों की होती है, वंस एन एप्पल फॉर एवर एन एप्पल, वंस एन एप्पल फॉर एवर एन एप्पल। ब्रांड रिकॉग्निशन अवेयरनेस, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग्स द कस्टमर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ब्रांड, उसको ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। बी टू बी फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, उसको हम लोग कहेंगे। बाइंग बिहेवियर मतलब क्या है, डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम लोग बाइंग बिहेवियर देखते हैं कस्टमर्स का, ठीक है। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एनकरेज द सेल ऑन द कैश बेसिस, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जी हाँ, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब
जहां पर लिटिल और नो एंटिसिपेटेड सिनर्जीज बिटवीन द एक्वायर्ड फर्म्स, वन बिजनेस इज नॉट रिलेटेड टू अनदर बिजनेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, आप भी ऑनेस्ट नहीं रहे बीएसएनएल के साथ। बेटा मैंने 14 इयर्स का, 14 इयर्स का रिलेशनशिप था मेरा बीएसएनएल वालों के साथ, 14 इयर्स, मजाक नहीं बेटा, आई वॉज सो ऑनेस्ट। बट आखिर मुझे मजबूर होना पड़ा और मुझे चेंज करना पड़ा मेरा बीएसएनएल का रिश्ता, मेरा और बीएसएनएल का रिश्ता। ठीक है, हैप्पी बर्थडे ऋषिकेश बेटा, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, कंसोर्सियम मतलब क्या है? कंसोर्सियम मतलब वेन टू और मोर कंपनीज दे कम टूगेदर फॉर द पर्टिकुलर पर्पज, इट इज नोन एज कंसोर्सियम। कंसोर्सियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस सेलिंग इंपॉर्टेंट है, जब कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री को देखकर उसको यहाँ पर कुछ और चीजें सेल करवाई जाती, की जाती है, कुछ और चीजें सेल की जाती है। ठीक है, तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेलिंग। ठीक है, क्रॉस सेलिंग। बीएसएनएल से ब्रेकअप, जी हाँ बेटा बीएसएनएल से ब्रेकअप करना पड़ा, बीएसएनल से ब्रेकअप करना पड़ा बेटा आखिरकार। अब देखो बेटा आप बताओ मुझे, सर्विस अच्छी नहीं है, ठीक है सर्विस अच्छी नहीं है, और बाद में अगर मैं, आप सोचिए ना एप्पल के फोन में बीएसएनएल का सिम कार्ड कैसे लगेगा, जो कि चल नहीं रहा है, जिसकी रेंज नहीं आ रही है। ठीक है, एप्पल के फोन में बीएसएनएल का सिम कार्ड, ठीक है इस, तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, ब्रेकअप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से यू, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, राइट। मैं उनके साथ लॉयल था बेटा, लेकिन बीएसएनएल वाले मेरे साथ लॉयल नहीं थे, बीएसएनएल वाले मेरे साथ लॉयल नहीं थे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या है बेटा, जो कि रहती नहीं है जनरली। ठीक है, दैट इज टू रीपर्चेस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ ब्रांड, उसको कस्टमर लॉयल्टी कहते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हेन द बिजनेस एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू द ईमेल, थ्रू द एड्स, थ्रू द टेक्स्ट मैसेजेस, थ्रू द टेली मार्केटिंग, इट इज नोन एज डायरेक्ट मार्केटिंग। इसलिए ब्रेक द बियर्ड मूड राइट। यस, देखिए बेटा यहां पर सो इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ द फोर्सेस डिफाइन द कॉम्पिटेटिव पोजिशन एंड इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, दिस कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल चीजें होती हैं, विच इज नॉट इन अ हैंड। एफएमसीजी का फुल फॉर्म याद रखना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दैट्स इट। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है, दोज दैट आर सेल इन द हाई वॉल्यूम्स विद अ लो यूनिट वॉल्यूम एंड हैव अ फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेस, हैव अ फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेस। जैसे कि तुम लेज, आज सपोज तुम यहाँ पर लेज खाते खाते लेक्चर देखते रहोगे, तुम कल भी शायद लेस खाते खाते लेक्चर देखोगे, परसों भी शायद लेस खाते खाते लेक्चर देखोगे। ठीक है, या पेप्सी पीते पीते, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर पानी पीते पीते है ना, या फिर ट्रॉपिकाना जूस पीते पीते। तो ये सारा क्या है, एफ एम सी जी, दैट इज हैविंग द फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेस, तो इसको हम लोग कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यस। अब देखते हैं बेटा फोरकास्टिंग माने क्या, फोरकास्टिंग एंटिसिपेट द फ्यूचर डिमांड, उसको अपन कहते हैं फोरकास्टिंग। इनोवेटर्स करने की जरूरत है, जो कि नया नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में। जॉइंट वेंचर इज इंपॉर्टेंट, जॉइंट वेंचर अगेन, टू और मोर फर्म्स दे कम टुगेदर फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, इट इज नोन एज जॉइंट, इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। ठीक है, इट्स क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द को ओनर्स, ऑफ द को ओनर्स। ठीक है, ओके, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मल्टी पीरियड ऑब्जेक्टिव्स,
मार्केट डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू वर्जन ऑफ देम टू द न्यू कस्टमर ग्रुप्स। मतलब मार्केट डेवलपमेंट मतलब बेटा देखो, मैं पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाता था सिर्फ पुणे में, क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज है और क्योंकि मैं पुणे से हूं तो मैं पुणे में पढ़ाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को पुणे में नहीं, मेरे को अभी क्या करने का है, मेरे को न्यू मार्केट में जाकर सेम प्रोडक्ट बेचना है। मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लेकिन अभी पूरे पैन इंडिया में पढ़ा होगा, सारे इंडिया के बच्चे देखेंगे, तो मार्केट डेवलपमेंट है ये। क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी? मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये तो इजी है, ये तो इजी। मार्केट सेगमेंटेशन एक आता है, मार्केट को डिवाइड कर देना ज्योग्राफिकली या फिर प्रोडक्ट वाइज, उसको अपन मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट शेयर मतलब तुम्हारा मार्केट शेयर क्या है वो होता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इस पर सवाल आएगा। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए। और एडिशनल थ्री पीस कौन से हैं? पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये भी आपको एडिशनल थ्री पीस है। क्या है? एडिशनल थ्री पीस। मर्जर मतलब क्या है? मर्जर इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोसेस व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशन। टू और मोर कंपनीज दे कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस, उसको अपन क्या कहते हैं? मर्जर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है निश मार्केटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू द कंपैरेटिवली, इट रिफर्स टू एक्सप्लॉइट अ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। छोटू मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि शायद वो कल चलकर एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निश मार्केटिंग कहते हैं। निश मार्केटिंग, निश मार्केटिंग। ठीक है, यस। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटीज आर एनी फीचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच क्रिएट द कंडीशंस दैट अ बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेजेस। पर्सनल सेलिंग मतलब ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर्स विद द इंटेंशन टू मेक अ सेल। ओरल कम्युनिकेशन आपको ये आ सकता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? मर्जर में बेटा यार तुम लोग ना ध्यान नहीं देते हो ठीक से, है ना? फिर तुम लोग फर्क फर्क पूछते हो, है ना? तो मर्जर क्या है? यहाँ पर दो और ज्यादा कंपनी साथ में आ रही है और एक क्या कर रही है? बिजनेस शुरू कर रही है नए एंटिटी में। ज्वाइंट वेंचर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए साथ में आते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। पर्पस खत्म, दोस्ती खत्म। ठीक है, यस। क्या तुम लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से यार? हमेशा मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब हमेशा सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप लोगों ने एक बार ना ऐसे सिमिलर वर्ड्स को सब कुछ एक साथ रख लिख देना चाहिए। मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, ज्वाइंट वेंचर, ये सारी चीजों को एक साथ लिख दो ना भाई। ये कितने बार बोलूं, सेम टू सेम चीज आती है हमेशा। क्यों ऐसे होता है? आई डोंट नो। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग मतलब इतना कम प्राइस चार्ज करने का, इतना कम प्राइस चार्ज करने का, इतना कम प्राइस चार्ज करने का इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर द पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट, इन ऑर्डर टू डिस्करेज द पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस चार्ज करने का। प्राइस सेंसिटिविटी मतलब इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस। प्राइस स्कीमिंग मतलब बहुत हाई प्राइस चार्ज करने का, बहुत हाई प्राइस। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, सेंसिटिविटी, स्कीमिंग, पब्लिसिटी मतलब ये है नॉन पेड फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, नॉन पेड फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यस। कुशल, कुशल कनात्रा, नोट्स नहीं मिल रहे हैं सर। बेटा तो फिर तुमने सर्च नहीं किया ना नोट्स को, हम क्या करें? तुमने सर्च नहीं किया तो, हमने तो नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, अब तुमने सर्च नहीं किया तो हम क्या करें? तुमको ऐसे तो दे नहीं सकते ना, हम ऐसे तो नहीं दे सकते ना नोट्स, तुमको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है,
सेल्स प्रमोशन माने क्या? सेल्स प्रमोशन माने इट इज डिजाइन टू बूस्ट द सेल्स। फ्री सैंपल्स दे दिए, कैंपेनिंग कर दी, अरेंजिंग डोर टू डोर सेलिंग, टेलीफोन, पर्सनल लेटर्स, है ना। इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सेल्स प्रमोशन कह सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्रेट इंपॉर्टेंट है। थ्रेट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। चलिए, सो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए, सोनू मंडल का बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसलिए सोनू मंडल को डायरेक्टली ब्लॉक किया जाए, ठीक है। सोनू मंडल क्या कह रहा है बताए, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में क्या फर्क है, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में क्या फर्क है, और फाइनेंस टर्मिनोलॉजी में क्या फर्क है। इसको मतलब बैन कर देना चाहिए बेटा, इस इंसान को बैन कर देना चाहिए। क्या पूछ क्या रहा है बेटा, क्या बोल रहा है वो, बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में क्या फर्क है, फाइनेंस के टर्मिनोलॉजी में क्या फर्क है, और मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी में क्या फर्क है। क्या सवाल है भाई, ऑसम। क्यों मजाक कर रहे हो बेटा, छोड़ दो ना भाई, नहीं हो रहा है तो क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन से हम समझ जाते हैं कि तुम स्पैमर हो, क्या नहीं हो जिंदगी में, सीरियस हो सीरियस नहीं हो, ठीक है। ठीक है, यस। सर आपका वीडियो बनाओगे 4 दिन में 300 पार बनाए क्या वीडियो बेटा, लास्ट के 4 दिन में कैसे ला सकते हो 300+, बस यही कर लीजिए। यह है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको अगर इकोनॉमिक्स में लाने हैं 90+ तो आपको करने होंगे केवल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको लाने हैं अकाउंट्स में 90+ तो आपको यहां पर इस एडजस्टमेंट्स को करके जाना है, दैट्स राइट। यस, बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम। और तुम लोग भी देखते हो ऐसी वीडियोस को, तुम हो वो, तुम लोग, ठीक है। यूएस मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आएगा ये, ठीक है। समथिंग विच इज यूनिक, वीकनेस मतलब लिमिटेशन, लैक और स्किल, ये दोनों भी आ सकता है। जी हाँ, ठीक है। इंडिया में बताया बेटा आपको, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में होप को उम्मीद को, है ना, होप माने उम्मीद, और उम्मीद को यहां पर बेटा क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। सेल कैसे ला सकते हो 300+, तुम्हारी उम्मीद को, तुम्हारे होप को कैसे ला सकते हो 90+, इसको सेल किया जा रहा है। और आप लोग भी जा जाकर ऐसी वीडियोस देखते हो, है ना। यस यस, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस यहां पर देखते हैं, ठीक है। सारे बैंक के डेफिनेशंस हो गए, अलग अलग जो वर्ड्स है उसके हम लोग देखते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब जब तुम कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पर देते हो बैंक को, तो वो तुमको एक एक्नॉलेजमेंट देता है साइन कर, तो एक्नॉलेजमेंट जो मिलता है आपको वो होता है तुम्हारा, वो होता है बैंक का एक्सेप्टेंस, ठीक है। अकाउंट बैलेंस मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, उसको अपन अकाउंट बैलेंस कहते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब विच इज नॉट येट पेड बट विच इज अर्नड, विच इज अर्नड बट इट इज नॉट पेड, ठीक है। यस यस, देखो यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज अक्यूमुलेटेड बट इट इज नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड रेट्स मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली इसको फिक्स किया जाता है बाय द लेंडर, एंड इफ यू फील सो ही कैन ऑल्सो चेंज इट, इफ यू फील सो ही कैन ऑल्सो चेंज इट।
एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो अपने कंपनी के शेयर यूएस में, उनके कंट्री में, उनके डिनोमिनेशंस में अगर वो लिस्ट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिजर्व्स। तो अपने कंपनी के, अपने देश के शेयर्स उनके दूसरे के देश में यहां पर क्या किया जाता है, वहां पर लिस्ट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ठीक है। यस यस गॉट इट एवरी वन एवरी वन। यस ऑसम। सो एन्यूटीज मतलब, एन्यूटीज मतलब गारंटी इनकम ओरिजिन, ठीक है। ये देख लिया ना हम लोगों ने एन्यूटी पहले ही, ठीक है। पीरियडिक पेमेंट सेम इंटरवल पे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन आप लोग याद रखना, एटीएम, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। बैलेंस ट्रांसफर मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसको बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। बैंक अकाउंट मतलब क्या होता है, जहां पर तुम्हारा, जहां पर भी जिस भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उसको हम लोग कहेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। सपोज मेरा SBI में अकाउंट है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा बैंक अकाउंट SBI में है, ठीक है। बेसिस पॉइंट याद रखना, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। बाउंस चेक मतलब इनसफिशियंट फंड्स के कारण तुम्हारा चेक बाउंस हो जाता है, जी हाँ, इनसफिशियंट फंड्स के कारण, ठीक है, इनसफिशियंट फंड्स के कारण। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब गैप फाइनेंसिंग भी होता है, जहां पर शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन के बीच में हम लोग यहाँ पर वो पैसा उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी होती है, ठीक है। यस ओके। व्हाट डू यू मीन बाय कैप, कैप मतलब लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हमने उसको कैप कर दिया, क्या कर दिया, कैप कर दिया है। तो अ कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय चेक, चेक माने क्या, चेक माने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर बैंक पे करती है पर्टिकुलर अमाउंट, जहां पर भी उसका नाम लिखा होगा उस इंसान को बैंक क्या करेगी, पे करेगी उतना उतना अमाउंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चेक कहते हैं, चेक चेक चेक, ठीक है। क्लियरिंग एंड क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग इज बेसिकली जब दो दो बैंक्स के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, मतलब मेरा मेरा चेक जो था, सपोज मेरा चेक था SBI बैंक का, तुम्हारी बैंक थी HDFC बैंक, तो ये दो बैंकों के बीच में अब क्या होगा, रिकंसिलिएशन होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, क्लियरिंग हाउस में जाएंगे और वहां पर क्लियर करेंगे चेक को, तो उसके बैंक अकाउंट को डेबिट, मेरे बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो ये सब कुछ क्या होगा उस हिसाब से कि सेटल डाउन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर एंड क्लियरिंग हाउसेस। तो वहां पर देखना, क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट बैंक्स मीट फॉर कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग द ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में, तुम लोग उतना ही पैसा तुम्हारे अकाउंट से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसपे तुम्हारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन स्कैन होकर वो ऑथेंटिकेट करती है और सामने वाले को पेमेंट कर देती है, ठीक है। यस डिपॉजिट स्लिप, जब तुमको बैंक में पैसा भरना होता है तो तुम लोग को ये डिपॉजिट स्लिप भरनी होती है। डिपॉजिटर मतलब जो पर्सन बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है उसको डिपॉजिटर कहते हैं। डेट सेटलमेंट, डेट रिपेमेंट, डेट रिकवरी, रिकवरी माने क्या, जब वो पैसा नहीं देता है तो उसके हम लोग क्या है, घर घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, सेलिंग द कोलैटरल्स एंड रिकवरिंग द मनी, उसको डेट रिकवरी कहते हैं। डेट रिपेमेंट मतलब क्या है, रिपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस रिपेमेंट ऑफ द डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मतलब हमने सारा पूरा की पूरा लोन को चुकता कर दिया है, लोन को चुकता कर दिया इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, उसको डेट क्या कहते हैं, रिपेमेंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेट सेटलमेंट, डेट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर डेट सेटलमेंट इज अ प्रोसीजर वेर इन द पर्सन इन द डेट निगोशिएट द प्राइस विद द लेंडर और द लोन, तो हमें यहाँ पर क्या करता है, जब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देता है तो उसका आइदर उसका लोन थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट नहीं, उसका क्या होगा, ईएमआई का अमाउंट कम होगा या फिर उसका टेन्योर कम होगा, तो फिर उससे सारा की सारा फिर से क्या होगा,
इंस्टॉलमेंट चेंज होगा, ठीक है। सो डेट सेटलमेंट, डेट निगोशिएट होती है और उसके कारण पूरा की पूरा इंस्टॉलमेंट चेंज होगा, ठीक है। यस यस ओके। सो अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, जब तुम पैसा जल्दी निकाल लेते हो तो तुमको अर्ली विड्रॉल पेनल्टी भरनी पड़ती है। जी हाँ, अगर तुमने 3 साल तक वहां पे पैसे रखने थे, पैसे रखने थे 3 साल तक पैसे, और तुमने उस पैसे को जल्दी विड्रॉ कर लिया है, तो तुमको यहाँ पर जल्दी विड्रॉ किया है। तुमने तो वादा किया था कि हम ये एफडी को 3 साल तक नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तुमने तो तोड़ दिया है, तो तुमने तुम्हारा वादा तोड़ा है, तो हम भी तुम्हें तोड़ेंगे पेनल्टी लगाकर। तो हम तुम्हें पेनल्टी लगाएंगे थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मतलब क्या है? जब यहाँ पर पोटेंशियल सेलर, पोटेंशियल बायर जब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो वो क्या करता है? डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर ऑफ द रियल एस्टेट, ठीक है। यस, जो मतलब तुम कुछ टोकन अमाउंट देते हो ना, कोई घर वर खरीदना है तुमको रियल एस्टेट का, तो निगोशिएशन के समय पर जो कुछ टोकन अमाउंट देते हो, उसको ये लोग क्या कहते हैं? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स, राइट राइट। एक्सपायरेशन डेट, आपको पता है बेटा, चेक भी एक्सपायर होता है, चेक भी बेटा एक्सपायर होता है 3 महीने के बाद। वैसे अलग अलग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के भी कुछ एक्सपायरी डेट्स होती हैं आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। यस ठीक है। यस चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। गारंटर, जिंदगी में बेटा कुछ भी बनने का, लेकिन कभी भी किसी का गारंटर नहीं बनने का, क्योंकि अगर तुमने किसी की गारंटी दी और अगर उसने लोन को चुकता नहीं किया, तो बैंक आएगी और बैंक तुम्हारा घरदार बेचकर चले जाएंगी। तो इसलिए जिंदगी में कुछ भी बनने का, लेकिन किसी का कभी गारंटर नहीं बनने का, ठीक है। यस सर। सो गारंटर इज द क्रिएटर ऑफ अ ट्रस्ट हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन, राइट। यस इंटरनेट बैंकिंग मतलब कुछ नहीं है, ये ऑनलाइन बैंकिंग होता है, जहां पर हम लोग उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस करेंगे। LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहां पर क्या होता है, ये जनरली इंपोर्टर के बिहाफ पर बैंक यहां पर क्या करती है? LOC इशू करती है इंपोर्टर के बिहाफ पर। ये जनरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज होता है, जी हाँ। सो अ डॉक्यूमेंट इशूड बाई द बैंक, ठीक है, बैंक स्टेटिंग द कमिटमेंट टू अ थर्ड पार्टी मतलब एक्सपोर्टर, अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि बेटा गारंटर होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर बैंक गारंटर बनती है। सपोज यहाँ पर नीरव मोदी जो था, तो नीरव मोदी बाहर से लोन उठाते थे, बाहर के कंट्री से। तो बाहर के कंट्री वाले नीरव मोदी को नहीं जानते, नीरव मोदी बोलता है तू मेरे को कैसे नहीं जानता है, मैं यहाँ का मतलब कितना कितना फेमस इंसान है, तू मेरे को लोन कैसे नहीं देगा। तो बाहर वाली बैंक बोलती है मैं तेरे को नहीं जानती। तो नीरव मोदी जाता है पीएनबी के पास, तू तो मेरे को जानता है, तू तो मेरे को जानता है, बोल उसको जरा LOC उसको दे। तो पीएनबी बाहर की बैंक को LOC देता है, अरे तू नीरव मोदी को नहीं जानता है क्या, उसको पैसा दे तू, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मैं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर को बोलती है ये क्या, अरे भैया तेरे को पता नहीं है नीरव मोदी कौन है, तो उसने पैसा नहीं दिया तो मैं देगा पैसा। तो बस हो गया, खत्म हो गया। तो नीरव मोदी ने यहाँ पर इतना 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 पैसा ले लिया था, और बाद में ये भाग गया, और फिर बाद में किसको चुना लगा? पीएनबी बैंक को चुना लगा, चुना 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 चुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, गया अ डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर स्टेटिंग द कमिटमेंट टू पे द थर्ड पार्टी दैट इज सेलर एंड द एक्सपोर्टर स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स बाय इट्स कस्टमर्स हु इज द बायर एंड द सेलर हैज टू मीट द कंडीशन गिवन द डॉक्यूमेंट एंड रिलेवेंट, ठीक है। ये जनरली इंटरनेशनल ट्रेड्स में काम आता है, जी हाँ, ये इंटरनेशनल ट्रेड्स में काम आता है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। लॉक इन पीरियड मतलब तुम स्पेसिफिक पीरियड तक पैसा नहीं निकाल सकते हो, पह नहीं निकाल सकते हो, पह। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, तो तुम्हारा घर को गिरवी रखा जाता है, तुम्हारे घर को गिरवी रखा जाता है,
और जिसके बदले में तुम्हें लोन दिया जाता है। सो मॉर्गेज इज व्हाट? इज अ कोलैटरल फॉर दी लोन। गिरवी रखना, गिरवी रखना, ठीक है। किस? प्रियांशी सेलिंग, इसलिए वी हैव ट्रस्ट इश्यूज। बेटा तुम्हें रहेंगे ट्रस्ट इश्यूज, हमें नहीं है, ठीक है। तुम्हें होंगे, हमें नहीं है। तुम मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस से तुम सबको क्यों बता रहे हो कि हम सबको ट्रस्ट इश्यूज है? हमको नहीं है, तुमको हो गया। तुमने खाया होगा धोखा, हमने नहीं खाया है, ठीक है। हमने नहीं खाया है बेटा धोखा। यस, बराबर छेने। हाँ क्यों बच्चा पार्टी, बराबर छेके। आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी? व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी? जब वो पीरियड खत्म हो जाता है, जितने भी पीरियड के लिए तुमने सपोज एफडी एफडी बनाया था, सपोज 3 साल हो गए, तो क्या है? तो वो क्या है? वो टाइम खत्म हो गया, तो मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया वो तुम्हारा, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट इट इज अ चेक और रादर अ अमाउंट ऑफ अ चेक विच अबाउट बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ अ पेयर। तो बेटा यहाँ पर तुम लोगों को क्या होता है ना, तुम लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो तुम कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा निकाल सकते हो, उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, राइट। रिवर्स रेपो रेट पर बहुत सारा सवाल आता है कभी कभी, मैंने आपको बहुत बार ये टेस्ट में पूछा गया है। When the bank deposit the surplus fund with the RBI for the short period of time, it is known as reverse repo rate. It is known as reverse repo rate. ठीक है? ठीक है। अब देखिए बेटे, यहां पर सिंडिकेटेड लोन, वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड टू वन पर्सन बाय द ग्रुप ऑफ द स्मॉल बैंक्स। तो मतलब एक ही इंसान को लोन देते हैं ये, लेकिन बहुत सारे बैंक्स मिलकर देते हैं, तो उसको हम लोग सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। जी हाँ, सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज वो वीडियो कॉन आया था, वीडियो कॉन, और वो वीडियो कॉन आता है, बोलता है आईसीआईसीआई से, ओ आईसीआईसीआई जी हमको 10,000 करोड़ का लोन दो ने। तो आईसीआईसीआई डर जाता है, एक ही इंसान को 10,000 करोड़ का लोन दूंगा और अगर ये भाग गया तो क्या करूंगा, इसलिए कहता है कि 10,000 करोड़ तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ। तो कहता है प्लीज प्लीज प्लीज, अपने अपना रिश्ता बहुत पुराना है, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो आईसीआईसीआई अपने दोस्तों को फोन लगाकर क्या कहता है कि थोड़ा 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 लोन आप अरेंज करो। तो यहाँ पर एचडीएफसी ने थोड़ा दिया, आईसीआईसी ने थोड़ा दिया, यस बैंक ने थोड़ा दिया है ना, या फिर पीएनबी ने थोड़ा दिया, तो इन सब बैंकों ने मिलकर थोड़ा 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 लोन दिया है एक ही इंसान को, तो वो हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंडिकेटेड लोन, ठीक है, सिंडिकेटेड लोन। आर यू गेटिंग इट? टाइम डिपॉजिट माने क्या? टाइम डिपॉजिट माने क्या? टाइम डिपॉजिट माने क्या? टाइम डिपॉजिट माने क्या? बैंक डिपॉजिट यार, मतलब ये तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैल्यू एट रिस्क मतलब क्या है? और सम और द पोर्शन विच इज एट स्टेक, सम और द पोर्शन ऑफ द वैल्यू विच इज एट स्टेक, विच इज एट स्टेक, ठीक है। होलसेल बैंकिंग, आपको पता है होलसेल बैंकिंग? होलसेल बैंकिंग इज अ टर्म यूज बाय द बैंक्स टू ऑफर द कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज मतलब आपको यहाँ पर 1 रुपया नहीं देने का है, और आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो। इट डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट वाइल बोरोइंग, डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलिए सर, हमारा ये भी हो गया है, ये भी हमारा हो चुका है। जी हाँ, अभी अपन करते हैं अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज करते हैं, ठीक है। प्लीज कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए।
अब ये लास्ट पोर्शन बचा है बेटा, लास्ट पोर्शन, ठीक है, बीसी के चैप्टर नंबर 6 फिर हो जाएगा, फिर आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यस, एक्विजिशन माने क्या? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर कर लिया। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ने फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर कर लिया है, उसको हम लोग एक्विजिशन कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं, राइट राइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकरप्सी? विजय माल्या हो जाना, मतलब इंसॉल्वेंसी, वेर द पर्सन असेट्स आर लिक्विडेटेड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सर मैंने बीकॉम एग्जाम में इको में 92 मिले थे मेरे मेरे को। वेरी गुड जया, वेरी गुड जया, लेकिन बीकॉम अलग है, सीए अलग है, ठीक है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और चुपचाप से पढ़ाई करने का, ठीक है। यस, समझिए क्या? तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट फील मत होना, ऐसे बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है तुमने 92 लाए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इसको हल्के में लो, ठीक है। बॉटम लाइन मंजे व्हाट? बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बॉटम लाइन कहते हैं, जी हाँ। बिजनेस एनवायरनमेंट माने क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट माने क्या? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल वेरिएबल्स एक्सटर्नल टू द फर्म बट इन्फ्लुएंस इज डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्न इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जिसके कारण हमारी हमारी किसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। मे बी वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं, एक सेकेंड, पहले मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, ट्रिपल बॉटम लाइन के पास। व्हाट डू यू मीन बाय टीबीएल? टीबीएल मतलब क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन। सो ट्रिपल बॉटम लाइन में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग पीपल के बारे में भी सोचते हैं और हम लोग प्लैनेट के बारे में भी सोचते हैं। सो प्रॉफिट पीपल प्लैनेट, प्रॉफिट पीपल प्लैनेट, प्रॉफिट पीपल प्लैनेट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्न अराउंड? टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड इज अ फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली। मतलब जो कंपनी सिक कंपनी है और हम लोग उनको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, तो सिक कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड, राइट। तो बेटा आप लोगों की अगर बीकॉम की बातें हो गई रहेगी तो अभी जरा इस पर ध्यान देने का, ठीक है। बीकॉम अलग चीज है बेटा, अभी बीकॉम हो गया है ना, रिजल्ट आ गया ना, खत्म, इसका रिजल्ट ही, इसका पेपर बाकी है अभी तक। और अगर आपने पेपर बाकी और अगर ऐसी हरकतें करी तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको बताइए। हर्षिता वेरी गुड, लास्ट टाइम यू गॉट 86 इन पेपर 4, दिस टाइम यू आर इवन केपेबल टू स्कोर 90+ बेटा। विजन क्या है? विजन, विजन क्या है? विजन, विजन इज द रोड मैप ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, इट इज अ रोड मैप ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, उसको अपन विजन कहते हैं, जी हाँ उसको अपन विजन कहते हैं। अब देखना बेटा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है जहां पर हम लोग इकोनॉमिक नहीं नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर भी ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर भी ध्यान देते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहां पर हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस पर भी ध्यान देते हैं, नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, राइट। रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में इतना ध्यान, इतना तुम सिर्फ एक बार फटफट पढ़ लेना। प्रोप्राइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब ये क्या है? सोल प्रोप्राइटर कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटर अपने बीसी के चैप्टर नंबर 1 में देखा होगा, तो ये सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। पेस्टल का आपको पूरा की पूरा पता होना चाहिए, पी माने ये पेस्टल मतलब एक तो मैक्रो फैक्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट का। पी माने पॉलिटिकल, ई माने इकोनॉमिक, एस माने सोशल, टी माने टेक्नोलॉजी, एल माने लीगल एंड ई एनवायरनमेंट, ठीक है। यस,
मिशन मतलब व्हाट वी डू, व्हाट वी डू, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, मतलब प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, द प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। यस यस, तो मिशन हो गया, पेस्टल हो गया, ठीक है। लॉजिस्टिक्स, मर्जर तो अपन ने किया ही है। टू और मोर कंपनी कम टूगेदर टू इंक्रीज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स अलॉन्ग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। लॉजिस्टिक्स मतलब इनबाउंड, लॉजिस्टिक मतलब मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स, मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स, मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। यस, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इजिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इजिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, उसको हम बोल लिबरलाइजेशन कहेंगे। मतलब पहले जो काफी स्ट्रिक्टनेस था, काफी लाइसेंसिंग थी, तो उस लाइसेंसिंग को कम कर दिया, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्टेड विद द लाइसेंस एंड परमिट एरा द बिजनेस हैड टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट लाइसेंस, तो उसको अभी निकाल दिया हम लोगों ने, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो एक प्रोसेस से जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन उसमें से और भी प्रोडक्ट निकलते हैं जिसको तुम एक्चुअल में यूज कर सकते हो आगे चलकर, ठीक है। सो सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन से यूजुअली रिक्वायरिंग द फर्दर प्रोसेसिंग ईच प्रोडक्ट बीन इन सच अ प्रोपोर्शन दैट नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बेटा दोनों की दोनों प्रोडक्ट को हम लोग एक अच्छा क्या है, मतलब सेलेबल प्रोडक्ट मान सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, रिमूविंग द इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, रिमूविंग द इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, जी हाँ। गुडविल मतलब डिफरेंस इन व्हाट द कंपनी पेस, ठीक है, व्हेन इट बाइज द असेट टू द अनदर कंपनी एंड द बुक वैल्यू ऑफ द असेट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो गुडविल के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, एक्स्ट्रा पैसा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मतलब अभी सारे के सारे आप लोग को फाइलिंग जो करनी होती है गवर्नमेंट को और या किसी को भी, आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक ही करना पड़ता है, आपको कोई भी फिजिकल कॉपीज देनी नहीं पड़ती है आजकल, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स मतलब कौन होता है? ये हेल्प करते हैं अदर इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प इन सेटिंग और डूइंग द बिजनेस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है, लॉस को मद्देनजर रखते हुए, रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉस को मद्देनजर रखते हुए, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। यस चलिए, सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, सो वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर। तो यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करवाया है, सारे के सारे डेफिनेशंस को कवर करवाया है गाइस। आई होप दैट आपको मजा आया होगा, आई होप दैट आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आई होप दैट आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं पर सारा के सारा रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। यस यस, तो यही पर आज हम लोग रुकते हैं, कल हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, परसों हम लोग कॉस्ट करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबली मैं परसों सोच रहा हूँ, तो डे आफ्टर टुमारो, कल ही मैं शायद आपका थोड़ा सा एक्सटेंड अगर होता है या फिर जैसे भी होता है, तो मैं प्रोडक्शन और कॉस्ट कल ही कवर करवा दूँ। और परसों मैं सोच रहा हूँ कि एक फुल मार्क्स की, 100 मार्क्स की आपकी एमसीक्यू टेस्ट ली जाए। सो प्रोबेबली हम लोग परसों, ठीक है, 100 मार्क्स की टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, और कल हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड द थिंग्स फॉर यू, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। सो रुकते हैं आज हम लोग यहीं पर। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपको अगर आगे चलकर इंटरमीडिएट में सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आपके दोस्तों को सब्सक्रिप्शन लेना है, एकाग्रता 2.0 जल्दी शुरू होने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने प्लस एंड आइकॉनिक दोनों के सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आपके सामने है। सो यस डेफिनेटली यू कैन यूज माई कोड ओवर हियर एंड आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी एंड फीलिंग एक्नॉलेज इफ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज टाटा 10, ठीक है। सो यस, अगर आपको
आपको लगता है कि यस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या आपके दोस्त को लेना है, तो प्लीज उनसे रेफर कीजिएगा उनको, एंड यस डू टेल देम टू यूज दिस कोड दैट इज डागर, एंड देल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, राइट। एंड आप लोग यहाँ पर कॉम्बो के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि कॉम्बो में बहुत ही रिजनेबल प्राइस हो जाती है, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर फाउंडेशनर इंटरमीडिएट 40,460 ओनली, विच इज क्वाइट रीजनेबल आई वुड से, क्योंकि लाखों रुपए लोगों को देने पड़ते हैं इंटरमीडिएट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट सेम टाइम, टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से